ताकत ये है, वो ताकत आपकी वजह से है। लेकिन वो भी अनजान चेहरे थे, इसलिए मैं सबसे पहले आप सबको नमन करता हूँ। साथ में एक जब हम विधानसभा में गए तो हमने एक जबरदस्त जो कहते हैं कुश्ती जबरदस्ती इस तरह का देखा, एक बीजेपी वाला बोला कांग्रेस वाला कुछ लग रहा, अरे भाई दोनों ही दोनों चोर दोनों ही दोनों कमीशन कोर्ट और आपस में यूं बता रहे थे जैसे हमको बिल्कुल कुछ नहीं भूख के खोए हुए हैं, तो मैं हम दोनों हंसते थे और बड़ी बड़ी अंदर बहुत अच्छे लोग भी थे, ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग व्यक्ति ऐसे थे, ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी थे जो भी भावना व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे ये कमीशन को ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए और ये हम 200 लोग यहाँ सदन में मौजूद है उन्होंने तय कर दिया तो बिल्कुल कमीशन को और ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये भावना व्यक्त कर रहे थे। उस वक्त हम सोच रहे थे कि कहीं कहीं सही दिशा में जा रहे हैं, तो ये जो खैर वो सदन में बात है सरकार की भावना है कि करेंगे, लेकिन ये शेड्यूल एरिया में हम जो एमएलए हैं वो केवल सागवाना चौरासी के भी, हम एमएलए शेड्यूल एरिया के भी नहीं है, हम तो इस पूरे राजस्थान के जो ओबीसी समाज माइनॉरिटी उन सब के हैं और उन सब की आवाज क्योंकि उनको दबा के जो आज उन्होंने अत्याचार किया दमन किया उनकी आवाज है हम, इसलिए हम कहना चाहते उनके अंदर भी हो सकते हैं जो सामान्य है उनके अंदर भी अच्छे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उन अच्छे लोगों को हम स्वागत करते हैं। इसलिए मैं विधानसभा में एक चीज बोला था, जय जोहार जय आदिवासी, जोहार भी जोहार सलाम और जय बिल प्रदेश, और एक बोला था जोहार नमस्ते, मैं जोहार नमस्ते बोला वो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो उसमें अच्छे लोग होंगे जो अच्छी भावना रखते हैं, उन लोगों के लिए बोला था कि तुम लोग गलत जगह फंसे हुए ईमानदार हो तो गलत जगह फंसे, आपका स्वागत करती है और आप आके हमारे साथ में मिलकर लड़िए, और मैं आपको ये बात का दावा करता हूँ कि राजस्थान सरकार करे नहीं करे क्या करे, लेकिन हम इस इलाके से ये भ्रष्टाचार और कमीशन हो रही है उसको खत्म कर रहे छोड़ेंगे नहीं, 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 नहीं। आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बात सामने आई विधानसभा में, ये बात सामने आई चार महीने पहले इस शेड्यूल एरिया में 4 महीने पहले बजट को ज्यादा तक खत्म किया गया, तो ये 4 महीने का हिसाब चाहता हूँ उस ये जो कमिश्नर है इससे ट्राइबल कमिश्नर से कि 4 महीने में तुमने किस किस को दिया होगा सर इतना सारा पैसा, या तो स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया या कहां कैसे खर्च कर दिया था 4 महीनों में करोड़ों रुपए, इस बात का हिसाब तो हम आने वाला टाइम हम देने लेने वाले हैं उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग हमारे ट्राइबल का जो पैसा उसकी बंदर बांट करके खा रहे थे और गांव में देखो तो कुछ भी नहीं है, आज हम देख रहे हैं गांव में तो पीने की पानी की समस्या है, आज हम देख रहे हैं सिंचाई की बात तो दूर की बात है क्योंकि पानी की बात कर रहे हैं पीने के लिए तो सिंचाई के लिए मिलेगा ही नहीं, तो ये जो हालत खड़े कर दी उन लोगों ने हमारे लिए, अभी भी हम विधानसभा में बैठते हैं तो हम इस हालत को देख करके ये वर्णन करें उसके पहले सोचते हैं कि इनके दिमाग में देख क्या चीज है कि हम की पेट की बात करेंगे, हम ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये कमीशन खोरी की बात करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो सारे लोग इस बात में सहमत होंगे। लेकिन मैंने एक चीज देखा, हम जब बोलने खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जितना सदन था साइलेंट हो गया ये क्या बोलने बात और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं आज जब उन्होंने 70 साल से मौज मस्ती मारी है उन मौज मस्ती मारने वाले जो एमएलए एमपी जो है उनको भी एहसास करा देंगे कि बीटीपी आई है और क्या परिवर्तन हो रहा है नया, ये हम आपके साथ हमारे साथ कहता है, इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा टाइम का मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता हूं अभी, लेकिन ये जो
टाइम आ रहा है उसमें आपकी जो आपने जिस भावना से हमको चुना है, आपने जिस भावना से हमारा मान सम्मान करे उसको कभी हम निकलने नहीं देंगे और उनकी हालत ये कर देंगे कि वो खुद छोड़ छोड़ के चले भाग जाए। यहाँ जो अधिकारी है जैसे ये आते ही इस मकसद से कि हमको आते खाली हाथ है और जाते हैं प्रकोपन भर के लेके जाते हैं, तो ये जो उनकी मानसिकता थी उस मानसिकता को बदल देंगे, नहीं भाई शेड्यूल एरिया में उस इलाके में हमको नहीं जाना है और आए हुए हैं तो सोचेंगे हम जल्दी खाली करके निकल जाएंगे। लेकिन मैं उनको खाली भी नहीं करवाना चाहता, हमारी तरफ से अभी एक का भी ट्रांसफर की बात नहीं है, तुमसे ही काम लेंगे, वो तुमने खाया है किया है वो भी अपना लगे उनको हटाना भी नहीं चाहता, एक की भी सिफारिश किसी की नहीं की है और कह रहा हूं कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग ही कमीशन को लिया भ्रष्टाचार है उसको बिल्कुल खत्म कर दो, जनता को नजर आना चाहिए कि अब कुछ परिवर्तन हुआ है, अब कुछ आजादी आई है, अब कुछ हमारी भी बात हुई है, यार हमारी बात करने वाले भी है, ये हम बात करना चाहते हैं। इसके सारे लोग हम ये जो भील प्रदेश की मांग उठा रहे हैं, भील प्रदेश का जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे इसलिए कर रहे हैं कि आज तक इस इलाकों को उन्होंने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं और इनकी विकास किया ही नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि भील प्रदेश है और भील प्रदेश की बात हम पूरे राजस्थान के अंदर हम तुम्हें मत समझेगा, ये सारा जो है वो हमारा जो फिफ्थ जो अनुसूची पांचवी अनुसूची है और छठी अनुसूची है वो छठी अनुसूची हमारा प्रमोशन करना चाहते हैं, इसलिए हम अब ये बात नहीं कह रहे हैं, हम दबा नहीं रहे हैं, हम पहले दबाते थे, कब दबाते थे, हम जब विधानसभा में नहीं गए उससे पहले हम दबाते थे, क्या बात दबाते थे, भील प्रदेश की बात को दबाते थे, पांचवी अनुसूची की बात को दबाते थे, छठी अनुसूची की बात को दबाते थे, क्यों दबाते थे कि जैसे हम वो बात करते हैं कहते नक्सल पांचवी अनुसूची की बात करो नक्सलवादी, भील प्रदेश की बात करो नक्सलवादी, आज हम विधानसभा में बोल रहे हैं तो आज हमको बताओ तुम नक्सलवादी को हमारे सामने खड़े हो बोलो सही, जो हमको संविधान का अधिकार है हमारा संविधान है उसकी हम बात करें, हमको हमको संविधान की बनाई और हमको संविधान की बात क्यों नहीं बोलने दोगे, इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम जो जो विधानसभा में और बाहर भी हम पूरी छाती ठोक के बोलेंगे कि हमारा जो अधिकार है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, जिसको तकलीफ हो वो दूर चला जाए और जिसको तकलीफ नहीं हो वो बाहर जा सके। यहां उदयपुर में जो गांव बाहर से जो एकता दिखाई है जिस तरह से एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी इन सब ने जो एकता दिखाई है तो उदयपुर में तो मैं समझता हूं तूफान आ जाना चाहिए, तो क्या बहुत बड़े जो कहते हैं ये केंद्र भी है, तो भाई साहब मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा तूफान आ जाए, ये तूफान ऐसा आ जाए, वो यू लोग सोच रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछे कि कहां कहां से लड़ेंगे, अरे हमको पूरे राजस्थान से लड़ने वाले, तुम कहां कहां की क्या बात कर रहे हो, क्योंकि तबा को हर जगह है, लोग तो परेशान हर जगह है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम अब जनता के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते, या तो तुमको जनता के प्रति जनता के काम करने पड़ेंगे या फिर तुमको जगह खाली करनी पड़ेगी, अब तुम्हारे लिए वो युवा समझता कि हम 70 साल से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ये जो तुमने नाटक खेला था आज तक वो नाटक आगे नहीं चलने वाला है, अब तो चलेगा केवल भील प्रदेश और बीटीपी का चलेगा, ये कहना चाहता हूँ, इससे मीडिया प्रभारी को वोट देने वाले तो ऐसा मत बोल देना कि राम प्रसाद तो वहां जाके ये सामाजिक समरसता भी कर रहा था या चौथी बात कर रहा था या कोई नक्सलवादी या कोई अलगावादी बात कर रहा था, ये न तो अलगावादी बात है और न नक्सलवादी बात है और न जातिवादी बात है, ये तो हम दबे पिछले पीड़ित तबका है वो अब खड़ा हो जाने वाला है, अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, यही बात करके मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद करता हूँ आप सबको।